हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोग नदी तंत्र के बारे में देख रहे थे, उसमें से ये हमारी नेक्स्ट क्लास है और ये जो श्रृंखला चल रही है ये आपके यूपी पीसीएस, हर एक स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, किसी भी एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें ज्योग्राफी आती है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आर ओ हो, SSC हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए आप देख सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यमुना और उसकी सहायक नदियों से। यमुना और उसकी सहायक नदियों से हम अपना स्टार्ट करते हैं आगे। ये आपकी यमुना नदी है, ये आपकी यमुना नदी है, इसमें इधर से आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। अब ये इसमें दाएं तट की है, बाएं तट की, कल आपको हमने बताया था लास्ट क्लास में कि इसका पूर्व, ये प्रवाहित जो होती है पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, जा करके किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है, ये आप लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो अगर हम पूर्व साइड में अपना फेस करके खड़े होंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड जाएगा ऊपर की साइड और राइट हैंड जाएगा नीचे की साइड, यानी जो नदियाँ नीचे से मिलती हैं उनको बोलते हैं दाएँ तट की सहायक नदियाँ या राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी, और जो ऊपर से मिलती हैं उनको बोलते हैं लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी या फिर बाएँ तट की सहायक नदियाँ। तो इसमें दाएं तट की कौन कौन सी हैं और दाएं तट की, बाएं और दाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी, देख लीजिए। दाएं तट की आपकी हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और बाएं तट की कौन कौन सी है, टोंस एंड हिंडन हैं और भी, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियों जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप उतना ही पढ़िए जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर चोटी से है। लास्ट क्लास भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी आपको बताई गई है चीजें। दक्षिण भारत की गंगा, ये भी लास्ट क्लास में आपको बताया जा चुका है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। दक्षिण भारत की गंगा आपकी कावेरी नदी है और दक्षिण की गंगा आपकी गोदावरी नदी है, इसमें बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है। तो दक्षिण भारत ट्रिक किस तरह से याद करने के लिए बताई गई है वो भी आप लास्ट क्लास में देखिए। इंडस यानी सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और सतलज, ये नदियाँ कैसी हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ या पूर्वगामी नदियों के उदाहरण है। यमुना नदी की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, लेफ्ट साइड की अभी आपने देखा टोंस एंड हिंडन, और राइट साइड की कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये आपकी चंबल है, ये चंबल थी, चंबल में इधर से आकर के बनास मिल रही है और नीचे से जाकर के कौन मिल रही है, छिप्रा, नीचे से कौन जाके मिल रही है, छिप्रा, यानी इसमें बाएं तट की बनास है और दाएं तट की छिप्रा है। तो चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है, बनास एंड छिप्रा। देखिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्या थी, यमुना की दाएं तट की सहायक नदी थी। ये मालवा पठार से निकलती है, कहाँ से निकलती है, इनका मालवा पठार से चारों नदियाँ निकलती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, मालवा पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ एक ही पास स्थित हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, और यमुना के बारे में और भी विशेषता आपको बताई जा चुकी है, ये निकलती तो हिमालय से है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ गंगा से दाएं बाएं तट से मिलती हैं, लेकिन यमुना एकमात्र ऐसी नदी है निकलती हिमालय से है किंतु मिलती दाएं तट से। नदी के बारे में जो स्टार्ट हुई है क्लास वो लास्ट क्लास है आपकी, लास्ट वाली क्लास आप देख करके फिर इसमें आइएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। दक्षिण की कौन सी, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी कहलाती है, तो भी गंगा कहलाती है। और दक्षिण भारत की गंगा, सॉरी, दक्षिण की गंगा कौन सी कहलाती है, गोदावरी कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी कहलाती है, कावेरी कहलाती है। गोदावरी से यमुना नदी छोटी है, गोदावरी की जो साइज है वो यमुना नदी की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं, अभी आपने देखा है। किस नदी के माध्यम से गंगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये किस नदी के माध्यम से गंगा में अपना जल गिराती हैं या जल मिलाती हैं, तो ये किसकी सहायक नदियाँ, यमुना, और यमुना किसकी है, चंबल, सिंध, बेतवा, एक सेकेंड, ये इस तरह से आपकी यहाँ गंगा है, ये आपकी गंगा है, गंगा में जा करके यमुना मिलती है, गंगा में इस तरह से यमुना जाके मिलती है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना में मिलती है। यानी आपसे ये पूछा जाए कि गंगा नदी में किस नदी के माध्यम से चंबल, सिंध, बेतवा, केन अपना जल मिलाती हैं, तो किसके, यमुना के माध्यम से, क्योंकि यमुना नदी की ये क्या है, सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए टोंस व हिंडन, टोंस व सोन क्या है, सोन गंगा की सहायक नदी थी, आप देख चुके हैं, और टोंस क्या है, टोंस आपकी यमुना की सहायक नदी है। टोंस क्या है, टोंस और हिंडन
ये दोनों बाएं तट की सहायक नदियां हैं, किसकी, यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना के माध्यम से गंगा में अपना जल गिराती है, अभी आपने देख लिया है। गंगा की सहायक नदी है ये सोन, और अपना जल डायरेक्ट गिराती है, डायरेक्ट अपना जल किस में गिराती है, गंगा में, जबकि ये यमुना की सहायता से गिराती है। सोन क्या है, ये बैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है। सोन नदी की विशेषता क्या है, इसका उद्गम स्थल क्या है, उद्गम स्थल के बारे में आपको बताया जा चुका है। गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके उद्गम स्थल के बारे में आपको लास्ट क्लास में बताया जा चुका है। बैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से निकलती है कौन, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल सोन नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और सीधे गंगा में अपना जल मिलाती है। निकलती तो प्रायद्वीपीय पठार से, बाकी सब किसी के माध्यम से गिराती है, लेकिन ये डायरेक्ट अपना जल गंगा में मिलाती है, क्योंकि गंगा की सीधे सहायक नदी कहलाती है। गंगा की सबसे आखिरी या अंतिम, आखिरी बोला जाएगा, अंतिम बोला जाएगा, बाएं तट की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो बाएं तट की कौन सी थी, ऊपर वाली। इस तरह से गंगा थी तो ये जो ऊपर वाली आ रही थी वही क्या थी, बाएं तट की सहायक नदियां थी। कौन कौन सी आ रही थी, आर, ट्रिपल जी, ट्रिपल जी, के एंड यम, ये इसके ट्रिप थी। आर से क्या था, राम गंगा, जी से गोमती, जी से गंडक, जी से घाघरा, के से कोसी, एम से महानंदा। तो अंतिम पूछा गया, तो अंतिम कौन सी है, महानंदा है। अंतिम कौन सी है, महानंदा है। क्या पूछा गया था आपसे, गंगा की सबसे आखिरी अंतिम बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है, महानंदा। तो अगर आखिरी की बात हुई तो प्रथम की भी बात होनी चाहिए, तो प्रथम कौन सी थी, पहली कौन सी थी, सबसे स्टार्टिंग कौन मिली है, रामगंगा। तो रामगंगा पहली है और आखिरी कौन सी है, महानंदा नदी है। इसकी ये कहाँ से निकलती है, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम बंगाल में निकलती है ये कहाँ से, दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। गंगा की असहायक या वितरिका कौन होती है, हुगली। हुगली को ही क्या बोला जाता है, विश्वासघाती नदी बोली जाती है। क्यों, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से, जहाँ पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा का दो भागों में विभाजन हो जाता है। एक इधर निकल आती है जिसको क्या बोलते हैं, हुगली, और एक बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोला जाता है, पद्मा नाम से बोला जाता है। एक हुगली हो गई और एक पद्मा, मेन शाखा पद्मा है और ये वितरिका है जिसको क्या बोलते हैं, हुगली। इसीलिए हुगली को क्या बोला जाता है, असहायक, यानी ये इसकी सहायता ना करके बल्कि इसकी धाराओं को दो भागों में बांट देती है। तो असहायक हो गई, इसी को वितरिका बोलते हैं, इसी को विश्वासघाती नदी भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा किसको, हुगली को। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु नदी की परियोजना। अब आ जाते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, कौन सा तंत्र, सिंधु। हम गंगा नदी, हमने तीन नदी तंत्र के बारे में हमको पढ़ना था, कौन कौन सा, कौन कौन सा, सिंधु, कौन कौन सा पढ़ना था, सिंधु नदी तंत्र पढ़ना था, गंगा नदी तंत्र पढ़ना था, और कौन सा पढ़ना था, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। तीन नदी तंत्र पढ़ने थे, जिसमें से आपने गंगा को पढ़ लिया है लास्ट क्लास में। अब इसमें आप पढ़ेंगे सिंधु एंड ब्रह्मपुत्रा, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र। चलिए, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु को इंडस रिवर सिस्टम भी बोलते हैं, सिंधु को इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, आ जाइए। इसमें सिंधु नदी जो तंत्र है, इसमें कौन सी सिंधु नदी पर कौन सी परियोजना पाई जाती है, तो निम्बो बाजमो परियोजना, ये बहुत पूछा जाता है। सिंधु नदी पर कौन सी परियोजना पाई जाती है, निम्बो बाजमो परियोजना सिंधु नदी पर पाई जाती है। सिंधु नदी का उद्गम क्या है, तिब्बत। तिब्बत, तिब्बत कहाँ होता है, जैसे ये आपका भारत है, इधर साइड ये तिब्बत है, ये सेट, ये क्षेत्र, ऊपर आपका चीन है, ये वाला तिब्बत और चीन का क्षेत्र है। तो यहाँ से तीन नदियों का उद्गम होता है, यहाँ से कितनी नदियों का, तीन नदियों का। कौन कौन सी, कौन कौन सी नदियाँ हैं आपकी, एक आपकी ये है जो सिंधु निकल जाती है, एक आपकी सतलज निकल के आती है, और इधर आपकी ब्रह्मपुत्रा निकल के आती है। तो इन तीन नदियों का उद्गम स्थल सेम टू सेम है, एक ही जगह है। इसका उद्गम कहाँ है, सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत। ग्लेशियर, किस ग्लेशियर से इसका उद्गम है, चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से। सिंधु नदी का उद्गम क्या है, चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से इसका तिब्बत है उद्गम है। अगर पूछा जाए किस झील से, अगर पूछा जाए इसका उद्गम कहाँ से है, तो तिब्बत से है। किस ग्लेशियर से है, चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से। किस झील से इसका उद्गम होता है, तो मानसरोवर झील से होता है। किस पर्वत श्रेणी से सिंधु नदी का उद्गम होता है, कैलाश पर्वत से होता है। सिंधु नदी अरब सागर से गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, सिंधु नदी। अब आप थोड़ा सा ये हमें बताइए, यहाँ पे एक चीज क्लियर करिए कि जो डेल्टा नदी में डेल्टा बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है जो नदियाँ, वो किस साइड गिरती हैं, पश्चिम बंगाल में या अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, इसको आप क्लियर करिए। एक सेकेंड का समय है आपके पास।
आपको बताया गया था कि जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, किंतु ये जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे मैप से देख लेते हैं। ये आपकी सिंधु नदी है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी, जो दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे आपका दमचोक है, दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच होती हुई चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है। किससे बाहर निकल जाती है? आपके भारत से बाहर निकल जाती है। यानी अगर पूछा जाए कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। और किस स्थान से भारत से बाहर निकलती है? तो चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है, चिल्लास नामक स्थान से। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सिंधु थी, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, जो मेन है उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आपकी कौन सी नदी निकल रही है? ये झेलम नदी है। ये कहाँ से है? वेरीनाग से। वेरीनाग से निकलती है, बुलर झेल से होती हुई ये जो आपकी तट है इसके समांतर बहती हुई यहाँ से आपकी निकलती है झेलम नदी। ये कौन सी नदी है? झेलम नदी। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कोई है? तो वो कौन सी है? झेलम नदी है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गई झेलम नदी। झेलम नदी के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे चिनाब। ये आपकी चिनाब है। चिनाब कौन सी है? भागा नदी और चंद्रा नदी, दो नदियां तंडी नामक स्थान पर मिलती हैं। इसके बाद इनका नाम क्या होता है? चिनाब नदी। तो अब ये नदी किस नाम से, भागा तंडी नामक स्थान मिलने के बाद ये किस नाम से कहलाती हैं? चिनाब नदी के नाम से। और चिनाब नदी जाकर के झेलम में मिल जाती है। चिनाब नदी कहाँ मिल जाती है? झेलम में। किस स्थान में मिलती है? भीम आगे देखेंगे, पहले मैप ऐसे देख लीजिए आप। पहले कौन सी नदी निकली है? सबसे पहले कौन सी नदी निकली है? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? दमचोक नामक स्थान से प्रवेश कर रही थी। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से निकलती हुई भारत में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती हुई चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती हुई ये आपकी इधर आ जाती है पाकिस्तान के क्षेत्र में। नेक्स्ट आप देखेंगे ये बेरीनाग झील से होती हुई झेलम नदी निकलती है, बुलर झील से होती हुई यूपी के ये यहाँ पर आपके समांतर भारत के तट के समांतर बहती हुई बाहर निकल आती है ये भी। और इधर से आपकी कौन सी आ रही है? चंद्रा और भागा नदियाँ तंडी नामक स्थान पर मिलती हैं, और देन इनका नाम क्या हो जाता है? चिनाब नदी। तो ये आपकी चिनाब नदी आकर के झेलम में मिल जाती है। चिनाब नदी आकर के झेलम में मिल जाती है, यानी झेलम की सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। नेक्स्ट आप देखिए रावी, ये आपकी रावी है। कहाँ से कौन निकल रहा है अभी बता देंगे बाद में। ये रावी नदी है, एक सेकेंड, ये कौन सी है? रावी नदी है। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, आप इधर देख लीजिए, अलग देख लीजिए। ये कौन सी है? सिंधु नदी। पहले ये निकलती है सिंधु नदी, देन इसमें कौन सी आकर के मिलती है? सिंधु के बाद इसमें आकर के मिलती है चिनाब झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी, एक सेकेंड, झेलम नदी इसमें से आकर के मिलती है, वेरीनाग झील से निकलती है, झेलम नदी आकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, ये मिल गई। फिर इसमें कौन सी आकर के मिलती है? झेलम में आकर के कौन सी मिलती है? झेलम में आकर के आपकी मिलेगी चिनाब नदी। झेलम में आकर के मिलती है चिनाब नदी। चिनाब में कौन सी नदी आकर के मिलती है? रावी नदी। चिनाब में कौन सी नदी आकर के मिलती है? रावी नदी। चिनाब में जाकर के मिलेगी रावी नदी। और इधर आपकी और कौन सी निकलती है? एक निकलती है आपकी ब्यास नदी। कौन सी नदी है? ब्यास नदी। कौन सी नदी है? ब्यास नदी इस तरह से निकलती है। कहाँ से कौन निकल रहा है बताया जा रहा है, ब्यास नदी है। और ब्यास नदी से भी लंबी एक सबसे बड़ी नदी इधर से आती है, कौन सी? सतलज नदी। तो ब्यास किसमें मिल जाती है? सतलज में। और ये सभी नदियाँ, ये ब्यास भी जा करके किसमें मिलती है? सतलज। ब्यास आकर के मिलती है सतलज में, और सतलज किसमें जा करके मिलती है? सतलज जा करके मिलती है चिनाब में। सभी नदियाँ कहाँ मिलती है? मिथानकोट नामक स्थान पर मिलती हैं। अब ये आपने देख लिया कुल कितनी नदियाँ इसे मिलनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नदियाँ मिलकर के क्या कहलाती हैं? सप्त सैंधो कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सप्त सैंधो। इनका नाम क्या है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, यही इसका क्रम भी है, क्रम से बता रहे हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास देन सतलज, सबसे नीचे कौन सा है? सतलज। अब आप इसको इसमें से देख लीजिए, मैप में देख लीजिए। ये देखिए दमचोक, अब इसी के बारे में नीचे लिखा हुआ है, नीचे सारी चीजें लिखी हुई है, यहाँ अभी बताएंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा। राकस्थल, ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? राकस्थल झील।
सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये चेमायुंग डोंग से कौन सा? सिंधु था, मानसरोवर झील से। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकस ताल से निकलती है। राकस ताल से निकलती हुई ये इस तरह से जाती है, यहाँ पे आपके ऐसे हो जाती है। और पंजाब के हरिके नामक स्थान पर इसमें कौन सी नदी आकर के मिल जाती है? ब्यास नदी। पंजाब के हरिके नामक स्थान पर इसमें कौन सी नदी आकर के मिल जाती है? ब्यास नदी। इसमें ब्यास नदी मिल जाती है, तो इधर से ही हो गया। जो सतलज कहाँ जाती है? चिनाब में मिल जाती है। उसी प्रकार से ऊपर अभी आपने किसको देखा था? ऊपर किसको देखा था? ये आपकी कौन सी निकल रही थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी निकल रही थी, इसमें कौन सी नदी आकर के मिल रही थी? झेलम नदी। मेरी नाग झील के बुलर झील से होती है, इसमें कौन सी नदी मिल रही थी? झेलम नदी मिल रही थी। ये झेलम नदी है, झेलम नदी में सतलज नदी मिली है, ध्यान रखिएगा। और झेलम नदी के नीचे कौन सी थी? चिनाब नदी, जो तंडी नामक स्थान पर चंद्रावा भागा नदियों की मिलने से बनती है, ये है चिनाब नदी। और चिनाब नदी के नीचे कौन सी नदी थी? रावी नदी। रावी नदी चिनाब में जा करके मिलती है, चिनाब झेलम में मिलती है, रावी चिनाब में मिलती है, ध्यान रखिएगा। और ब्यास जो सतलज में मिलती है, सतलज जा करके किसे मिलती है? किसे मिलती है? झेलम में मिलती है। और ये सभी नदियाँ आपस में कहाँ मिलती हैं? मिथानकोट नामक स्थान पर मिलती हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। जो कुछ भी है वो नीचे आपका लिखा हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलिए, पंजाब के हरिके नामक स्थान पर, पंजाब के हरिके नामक स्थान पर कौन कौन मिलता है? पंजाब के हरिके नाम भी आपको बताया गया है, पंजाब के हरिके नामक स्थान पर ब्यास व सतलज नदी मिलती हैं। इसी स्थान पर सबसे बड़ी नहर, इसका सबसे बड़ी नहर, इसका नाम पूछा जाता है, सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। पंजाब के हरिके नामक स्थान पर ब्यास व सतलज नदियाँ मिलती हैं, और यहीं पर हरिके नामक, वहीं पर इंदिरा गांधी नामक नहर निकाली जाती है, जो सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, मिथानकोट। मिथानकोट नामक स्थान, मिथानकोट कहाँ है? कराची के पूर्व में पड़ता है, पाकिस्तान में। झेलम झंग नामक स्थान पर चिनाब में मिल जाती है, जो झेलम नदी, झेलम नदी तो ऊपर यहाँ पे मिली थी ना, झेलम नदी यहाँ पर मिली थी, तो झेलम नदी चिनाब में कहाँ मिलती है? झंग नामक स्थान पर। झंग नामक स्थान पर झेलम नदी चिनाब में मिल जाती है। झेलम नदी किस में मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। नेक्स्ट आइए, और मिथानकोट में सभी नदियां आपस में मिल जाती हैं। पंचनद नदियां, मिथानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी, पंचनद क्यों बोला गया? क्योंकि टोटल सिक्स थी, तो बची पांच, पांचों आकर के सिंधु में कहां मिलती है? मिथानकोट नामक स्थान पर मिल जाती है। चेमा सिंधु नदी की उत्पत्ति अभी आपने देखा, चेमायुंग ग्लेशियर से, कैलाश पर्वत श्रेणी से, मानसरोवर झील से होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 2880 यानी 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है, 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है। ये कितने देशों में बहती है? तो तिब्बत क्षेत्र से इसका उद्गम था, यानी तिब्बत, एक चीन हो गया, सेकेंड ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और दमचोक से, और उसके बाद चिल्लास से पाकिस्तान में निकल जाती है, यानी चीन, भारत, पाकिस्तान, तीन देशों में ये बहती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। भारत से पाक अधिकृत कश्मीर के चिल्लास नामक स्थान से निकलती है, कहाँ निकल के जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। यह लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। सिंधु नदी की सुलेमान श्रेणी से निकलती है, सिंधु नदी की श्रेणी कौन सी? सुलेमान श्रेणी से निकलने वाली, सुलेमान श्रेणी से निकलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है? सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें जो सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो खुर्रम, टोची, गोमल, बिबोवा एंड सेंगर। खुर्रम, टोची, गोमल, बिबोवा एंड सेंगर। सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है, सिंधु नदी किसका निर्माण करती है? गार्ज का निर्माण करती है, कहाँ करती है? पाकिस्तान में करती है। सिंधु नदी की सबसे विशालतम सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। एक सेकेंड, आपको शायद अभी ये बताया गया है कि सिंधु, झेलम, चिनाब, तो चिनाब में आकर के, ये जो झेलम है ये चिनाब में मिलती है, ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया वहाँ पे, झेलम आकर के चिनाब में मिलती है, यानी चिनाब हमारी कंटिन्यू रहती है, चिनाब हमारी कंटिन्यू रहती है, इसमें मिलती कौन सी है? झेलम आकर के मिलती है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? चिनाब है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पाकिस्तान के अटक पहाड़ी से, पाकिस्तान सिंधु की सबसे विशालतम नदी कौन सी थी? चिनाब थी, अभी आपने देखा है, अभी आपने इसको देखा है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के अटक पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? अटक पहाड़ी। पाकिस्तान के अटक पहाड़ी से ये धरातल पर बहती है, पाकिस्तान के अटक पहाड़ी से कहाँ बहती है? धरातल पर बहती है। सिंधु की हिमालय पर्वत से निकलने वाली सहायक नदी, अभी कहाँ से आपने देखा था? सुलेमान श्रेणी से निकलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी थी? खुर्रम, टोची, गोमल, बिबोवा एंड सिंगर। अब ये किसकी बात हो रही है? हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो गास्टिन, सीमार, स्योग, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नूबा एंड ट्रांस।
पाकिस्तान में मिथानकोट नामक स्थान पर इसकी सहायक नदी से मिलती हैं। सिंधु नदी के किनारे परियोजना कौन सी है? तो नीमो बाजमो परियोजना है। कराची पाकिस्तान के, कराची जो है कहाँ है? पाकिस्तान में। ये अपना मुहाना बनाती हैं, दक्षिण में पहुंचकर इसका अंत होता है, क्योंकि दक्षिण सेस में है। कराची के दक्षिण में पहुंचकर इनका अंत हो जाता है और यह अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी? पंच नदियों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये सभी कहाँ से निकलती हैं? सभी पंजाब की हैं। सभी कहाँ से निकल रही हैं? पंजाब से निकल रही हैं। सभी पंजाब की हैं, वो पंजाब क्षेत्र से बहती हैं। बाकी आप रावी ब्यास सतलज, सतलज को तो आप देखिए बाहर से निकल रही है, रावी ब्यास भी आपने देख ही लिया है। झेलम नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ये है। और सिंधु नदी की सहायक नदी बाएं तट की कौन कौन सी है और दाएं तट की कौन कौन सी है? ये भी बहुत पूछा जाता है, यहाँ भी आप ध्यान देखिए। तो बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी। सिंधु नदी की सहायक नदियों में बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, सोहन, सियांग, तुम सिगार। क्योंकि ऐसे आ रही थी सिंधु नदी, तो झेलम, चिनाब, रावी, सॉरी एक सेकेंड, ये आपकी झेलम थी, ये चिनाब थी, रावी थी, ब्यास और सतलज, ये सभी नदियाँ किस में मिल रही थी? ये सभी नदियाँ आपकी कहाँ मिल रही थी? मिथानकोट नामक स्थान पर मिल रही थी। सभी इसमें किस साइड से? अगर ये इस तरफ इसका फेस है तो आप देखेंगे इधर साइड आपकी कौन सी पड़ेगी? राइट हैंड पड़ेगा, ऊपर आपका कौन पड़ेगा? राइट। और इधर कौन पड़ेगा? लेफ्ट। तो लेफ्ट यानी बाएं, बाएं तट की सहायक नदियाँ आपकी यही सब है। और दाएं तट की सहायक नदियाँ में सियोक, काबुल, खुर्रम, टोची, गोमल, ये सब आपकी कौन सी हैं? बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं झेलम का पुराना नाम क्या था? बितस्ता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पुराना नाम जरूर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है झेलम का पुराना नाम क्या है? बितस्ता है। झेलम की परियोजना कौन सी है? सिंधु नदी पर कौन सी परियोजना थी? निम्बो बाजमो परियोजना। और झेलम पर कौन सी परियोजना है? तुलबुल और उरी परियोजना। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? तुलबुल और उरी परियोजना। झेलम की उत्पत्ति कहाँ हुई है? झेलम की उत्पत्ति श्रीनगर के बेरी नाग से निकलती है। श्रीनगर के बेरी नाग से झेलम नदी का उत्पत्ति हुआ, अभी आपने देखा है। यह पाक अधिकृत कश्मीर में बहती है तथा बुलर झील से गुजरती है। इसका नाम क्या है? मितस्ता। अभी आप देख चुके, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर था? तो ले शहर था। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित था? ले। और झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। झेलम की सहायक नदी कौन सी थी? चिनाब। चिनाब। झेलम की सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। सॉरी एक सेकेंड, चिनाब की सहायक नदी झेलम, क्योंकि झेलम जाके चिनाब में मिल रही थी, तो झेलम चिनाब की सहायक नदी है। और अन्य सहायक नदी कौन सी है? किसन गंगा। झेलम की सहायक नदी में कौन सी है? किसन गंगा, यह झेलम की सहायक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए आप, अभी यहाँ झेलम नदी के किनारे स्थित शहर क्या हो गया था? लेह। लेह नहीं है, झेलम नदी के किनारे शहर है श्रीनगर, यहाँ आप करेक्ट कर लीजिए कौन सा है? श्रीनगर। और सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तब लेह। सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर लेह और झेलम नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? श्रीनगर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, एक सेकेंड, झेलम हो गया हमारा। चिनाब के बारे में देखें, चिनाब का पुराना नाम बहुत पूछा जाता है इन पंच नदियों का जो है, ये सारी जो छह नदियों का समूह है, सप्त सिंधु जो है, इनका पुराना नाम बहुत पूछा जाता है। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है, इस बार भी बताया जा रहा है, पहले की क्लास में भी इनके पुराने नाम आपको लिखाए जा चुके हैं। चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्कनी। चिनाब का पुराना नाम अस्कनी है। चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? सलाल परियोजना, बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। सलाल परियोजना, बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। और ये बड़ा लाचला पास से दो नदियाँ निकलती हैं। अभी आपको बताया गया था कि दो नदियाँ चंद्रा और भागा नदियाँ, चंद्रा और भागा नदियाँ मिलतंडी नामक स्थान पर मिलती हैं, तब ये क्या बन जाती हैं? चिनाब नदी बन जाती हैं। और ये कहाँ से दोनों निकलती हैं? बड़ा लाचला दर्रे से दो नदियाँ निकलती हैं, चंद्रा और भागा नदियाँ। यही नदियाँ तंडी नामक स्थान पर मिल करके चिनाब नदी का रूप ले लेती हैं।
और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? चंद्राभागा नदी। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहा जाता है? चंद्राभागा नदी। चिनाब की उत्पत्ति बड़ा लाचला पास से होती है और हिमाचल प्रदेश में चिनाब को चंद्राभागा नदी के नाम से जाना जाता है। झेलम और चिनाब नदी जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम क्या है? झंग। यानी झेलम और चिनाब जहाँ मिलती है उनका नाम क्या है? झंग। झंग नामक स्थान पर झेलम और चिनाब नदी आपस में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, अखनूर के निकट ये मैदान में बहना शुरू करती है। चिनाब नदी जो है वह अखनूर के निकट मैदान में बहना शुरू करती है। चिनाब और रावी सराय सिंधु नामक स्थान पर मिलती है। कौन कौन सी? चिनाब और रावी। रावी भी तो ये चिनाब आ रही थी, इसे ऊपर से झेलम आकर के मिल रही थी, नीचे से रावी आकर के मिल रही थी। तो रावी कहाँ मिलती है? सराय सिंधु नामक स्थान में मिलती है। और झेलम कहाँ पर मिलती है? झंग नामक, झंग नामक स्थान पर चिनाब नदी से झेलम आकर के मिलती है। झंग झेलम, झंग झेलम। और रावी कहाँ पर मिलती है? रावी नदी कहाँ आकर मिलती है इस पर आप बताइए? सराय सिंधु नामक स्थान पर, सराय सिंधु नामक स्थान पर रावी मिलती है। झंग नामक स्थान पर झेलम मिलती है। चिनाब की सहायक नदी रावी है क्योंकि रावी से मिल रही है। और कौन सी है? झेलम। दोनों इससे आकर के मिल रही है। चिनाब नदी की परियोजना कौन कौन सी? अभी आपने देखा सलार, बगलीहार और दूलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। अब हम देखते हैं रावी नदी, रावी नदी के बारे में। रावी नदी पर कौन सी परियोजना है? रावी नदी पर चमेरा थीन, चमेरा एक सेकेंड, चमेरा थीन परियोजना जिसको रणजीत सागर बांध, थीन परियोजना को क्या बोलते हैं? रणजीत सागर बांध भी बोलते हैं। चमेरा थीन या रणजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। उत्पत्ति, रावी नदी की उत्पत्ति क्या है? रोहतांग दर्रा कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। ब्यास का भी आप वहीं देखेंगे। रावी नदी क्या है परियोजना? इसमें चमेरा थीम परियोजना है। इसकी उत्पत्ति रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल। दर्रे की क्लास लास्ट हम ले चुके हैं ट्रिक से भी और मैप से भी। रोहतांग दर्रा कहाँ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश की रोहतांग दर्रा से कौन निकलती है? रावी नदी निकलती है। चंबा घाटी में बहती है। किस घाटी में बहती है? चंबा घाटी में बहती है। या पाकिस्तान में सराय सिंधु नामक स्थान पर चिनाब में मिल जाती है। अभी आप देख चुके हैं इसके बारे में कि चिनाब में ये कहाँ पर मिली थी। ब्यास, ब्यास का पुराना नाम, ब्यास का पुराना नाम क्या है? ब्यास का पुराना नाम बिपाशा है। क्या है? बिपाशा है। सतलज की सहायक नदी है क्योंकि ब्यास, सतलज आपकी यहाँ तिब्बत के क्षेत्र से आ रही थी यहाँ, और इधर आकर के इसमें ब्यास मिला था हरिके नामक स्थान पर। कहाँ मिला था? हरिके नामक स्थान पर मिला था। आगे देखते हैं, सतलज नदी की सहायक नदी है ब्यास। उत्पत्ति ब्यास कुंड के हिमाचल प्रदेश, ये भी हिमाचल प्रदेश। रावी भी हिमाचल प्रदेश, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकली थी। और ब्यास भी आपकी कहाँ से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। आगे देखते हैं, ब्यासकुंड के पास शहर है, कौन सा शहर? कुल्लू व मनाली शहर। कुल्लू व मनाली शहर कहाँ पर है? ब्यासकुंड के पास ही है। पंजाब के होशियारपुर जिले से, कहाँ से? होशियारपुर। ज्यादा होशियार लोग होंगे यहाँ। पंजाब के होशियारपुर जिले के तलवंडी नामक स्थान पर ये मैदानी भाग में बहती है। तलवंडी नामक स्थान से कहाँ बहती है? ये मैदानी भाग में बहना स्टार्ट करती है। हिमाचल प्रदेश व पंजाब में बहती है। हिमाचल प्रदेश से उद्गम है इसका, फिर इधर आके पंजाब, पंजाब की बात तो ही मिल जाती है चिनाब में, पंजाब में ही। तो हिमाचल प्रदेश व पंजाब में बहती है, कुल्लू घाटी से होकर बहती है। और सतलज नदी से पंजाब के हरिके नामक स्थान पर मिलती है। पंजाब में ही मिल जाती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो स्टेट में ये बहती है। हरिके नामक स्थान पर, पंजाब के हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी किससे मिल जाती है? सतलज से मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सतलज नदी, सतलज नदी का भी पुराना नाम बहुत पूछा जाता है, क्या है? सतरुदी, सतरुदी। इस पे परियोजना कौन कौन सी है? भांगला बांधल, हरिके बांध, नाथपा झाकरा, ये परियोजना सतलज की है। पंजाब के सिपकिला नामक दर्रे से होकर बहती है। कहाँ बहती है? पंजाब के किला नामक दर्रे से होकर के ये बहती है। लंबाई इसकी, कुल लंबाई इसकी कितनी है? कुल लंबाई इसकी है 1450। और भारत में कितनी बहती है? टोटल है 1450 और भारत में कितनी बहती है? 1050। भारत में बहती है 1050। राकस ताल से उत्पत्ति है। राकस ताल कहाँ था? तिब्बत के क्षेत्र में था। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर, क्योंकि 1050 से भारत में बह रही थी तो बाकी 450 से कहाँ बह रही थी? 1050 इधर बह रही है तो बचा आपका 400, 1450 टोटल था। तो 400 सिंधु के समान,
समांतर बहती है, सिंधु के समांतर बहती है। जैसे आपका ये मैप था, इस टाइप से आपका मैप बना हुआ है ये, तो इधर जो आपकी ये सिंधु नदी है, ये भी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है चेमायुंगडिंग ग्लेशियर से, और इधर ये आपकी निकल के आ रही है इस तरह से आपकी ये निकल के आ रही है। तो ये जो 400 किलोमीटर है, ये सिंधु और सतलज एक दूसरे के समांतर बहती है, सिंधु और सतलज एक दूसरे के समांतर बहती है। तो वही यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर सिंधु के समांतर बहती है भारत में सिपिला दर्रे से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। अब आप बताएंगे कि सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, जो कि दर्रों की क्लास लास्ट लिया जा चुका है लास्ट क्लास में। भारत में सिपकिला दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है। ब्यास व सतलज कहाँ मिलते हैं, पंजाब के हरिके नामक स्थान पर मिलती है। सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, लॉन्ग चेन खम्बाओ नाम से सतलज नदी को तिब्बत में जाना जाता है। तिब्बत यानी चीन के क्षेत्र में स्थित है। और इस पर नदी कौन कौन सी है या शहर, सतलज नदी पर कौन कौन सा शहर स्थित है, तो लुधियाना, फिरोजपुर पंजाब में स्थित है। लुधियाना और फिरोजपुर कौन कौन सा शहर स्थित है, लुधियाना और फिरोजपुर सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु की अन्य सहायक नदियाँ, जो मेन मिलती वो भी होगी, अन्य सहायक नदियों को एक बार देख लीजिए। सिंधु की अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी नामक नदी निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नामक नदी निकलती है। और इसकी अन्य सहायक नदियों में जास्कर, गोमल, कुर्रम, तोची, नुब्रा, गिलगित, सिगार, ये इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। हरिके नामक स्थान पर कौन कौन मिला था, सतलज और ब्यास नदियों का जहाँ संगम होता है वहीं पर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो सबसे बड़ी देश की सबसे लंबी नहर है, कितनी 649 किलोमीटर। इसकी नींव कब पड़ी थी, किसकी नींव, इंदिरा गांधी नहर की नींव कब पड़ी थी, तो 30 मार्च 1958 को। उस समय गृह मंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा इसकी नींव डाली गई थी। रोहतांग दर्रा, कुल्लू घाटी कहाँ पर है, जहाँ पर धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में जो क्षेत्र है उसी को कुल्लू घाटी बोला जाता है। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बारे में आपको बताया जा चुका है, ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एवं धौलाधर। तो ये पीर पंजाल हो गया, नीचे हो गया धौलाधर, तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को क्या बोला जाता है, कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। रोहतांग दर्रा को लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार बोला जाता है, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, रोहतांग दर्रा जो है लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार है। अब तालाब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी और हम आगे देखेंगे, नदियों के बारे में भी आगे और भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आ गया है। या चलिए एक सेकंड देख ही लेते हैं यार। भारत में कुल सिंचित भूमि का लगभग 2.97% भूभाग की सिंचाई किससे होती है, तालाबों द्वारा की जाती है। भारत में कुल सिंचित भूमि का यानी जितनी भूमियों की सिंचाई होती है टोटल, उसमें से 2.97% भूभाग ऐसे हैं जिनकी सिंचाई किनके द्वारा की जाती है, तालाबों के द्वारा की जाती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किसमें होती है, तो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में होती है। और ये राज्यों का क्रम लगाने के बोल लेता है, तो आप क्रम भी जानिएगा, सर्वाधिक तमिलनाडु में होता है, देन कर्नाटक में, देन तेलंगाना में, देन आंध्र प्रदेश राज्यों में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। यानी सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सिंचाई तालाबों द्वारा कहाँ पर होती है, किस स्टेट में होती है, तो आप क्या बताएंगे, तमिलनाडु में होती है। भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो तमिलनाडु राज्य में होती है। इसके अतिरिक्त फिर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी आता है, लेकिन मेन आपका कौन कौन सा है, तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये घटते क्रम में है। यानी सर्वाधिक तमिलनाडु, देन कर्नाटक सेकेंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे तेलंगाना, फोर्थ रैंक पे आंध्र प्रदेश, और बाकी ये स्टेट भी हैं कि जिसमें तालाबों द्वारा सिंचाई होती है, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी इसमें आते हैं, लेकिन सर्वाधिक सिंचाई तालाबों द्वारा किससे होती है, तमिलनाडु में होती है। भारत की कितने परसेंट भूभाग पर तालाबों द्वारा सिंचाई होती है, तो 2.97% भागों पर तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक से और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए क्लास नोट्स या कुछ भी आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आपको उस सब्जेक्ट का सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
चलिए हम आगे देखते हैं। हमारे पास अब कौन कौन सा हो गया, गंगा नदी तंत्र हमने देख लिया, कौन कौन सा, गंगा नदी तंत्र देख लिया, गंगा नदी तंत्र हो गया, और कौन हो गया, सिंधु नदी तंत्र, इंडस नदी तंत्र, ये भी हो गया, सिंधु और गंगा ये दोनों हो गए। अब बचा कौन, तीन हमको पढ़ने थे जिसमें से एक कौन बचा, ब्रह्मपुत्र। तो हम यहाँ पे किसको देखेंगे, ब्रह्मपुत्र के बारे में, किसको देखेंगे, ब्रह्मपुत्र के बारे में। ये आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है, कौन सी नदी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है जो मानसरोवर झील से निकल रही है और चेमा नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती हुई भारत में प्रवेश करती है। ये आपकी भारत में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश में हुई हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन इससे पहले यहाँ कुछ ज्यादा लिखा हुआ है, तो अब इससे पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, नामचा बरवा चोटी से यू टर्न लेती हुई ये भारत में प्रवेश करती है। ये आपका इसका प्रवेश हो गया। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तिस्ता नदी, तिस्ता की सहायक नदी कौन सी है, रंगेती। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी आपको बताया जा चुका है, आप बताइए सोच करके फिर हम बताते हैं। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में, ये भी तिब्बत में है। अब यहाँ से निकली है, आपसे ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस चोटी से यू टर्न लेती है, तो किस चोटी से लेती है, नामचा पर्वत। यू टर्न क्यों बोला गया, क्योंकि इसका जो शेप है ये देखिए, ये लगभग यू आकार का हो गया है, इसलिए इसको बोला जाता है यू टर्न। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, यहाँ से देखिए आपकी ये दिहांग नदी मिल रही है, ये लोहित नदी मिल रही है, और लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल है। लोहित नदी पर कौन कौन है, भूपेन हजारिका पुल है। आगे बढ़िए, अगेन देखते हैं, भूपेन हजारिका पुल हो गया। यहाँ देखिए ये बोगीबिल ब्रिज है, ये बोगीबिल ब्रिज किसको किसको जोड़ता है, ये भी आगे बता रहे हैं। यहाँ पे आपकी बूढ़ी दिहांग नदी इसमें मिलती है, और यहाँ पे आपका माजुली द्वीप है, कौन है, माजुली द्वीप। यहाँ थोड़ा कम लिखे हुए हैं, इसलिए आप यहाँ पहले देख लीजिए, फिर अभी डिटेल से नीचे वाले में देखना है। यहाँ पर कौन, यहाँ के कौन मिल रहा है, सुमनसिरी मिल रही है, कौन मिल रही है, सुमनसिरी, माजुली द्वीप के इधर सुमनसिरी मिल रही है। ये आपकी मानस नदी आकर के मिल रही है, इधर आपकी संकोच नदी आकर के मिल रही है, मानस नदी मिल रही है, संकोच नदी मिल रही है। कौन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर आकर के मिलती है, ये हम आगे भी देख रहे हैं। इधर देखिए ये बराक नदी आकर के मिलती है, इधर से तिस्ता नदी जम्मू ग्लेशियर से निकल के आती है, और ये आपकी गंगा नदी आकर के मिल रही है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर मिलते हैं उनको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको सुंदरबन का डेल्टा भी बोला जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो भी आप सुंदरबन का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कह सकते हैं। जल ये कहाँ गिराता है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में, इसका मुहाना है। आगे अभी डिटेल से हम और भी देख रहे हैं, तो आगे मैंग्रोव वन पीट मृदा में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, पीट मृदा में पाए जाते हैं। मृदा के प्रकार आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया जा चुका है, कितने प्रकार की मृदाएं होती हैं। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सुबनसिरी। अब जो नदियाँ इससे मिल रही है उनका भी समस्या आप देख लीजिए, सुबनसिरी, घनसिरी, मानस, संकोच, तिस्ता, इसकी सहायक नदियाँ थी। तो सुबनसिरी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तिब्बत हिमालय से, तिब्बत हिमालय से सुबनसिरी का उद्गम होता है। घनसिरी लैसांग पर्वत चोटी नागालैंड, लैसांग पर्वत चोटी नागालैंड से, मानस का तिब्बत हिमालय से, संकोच का उत्तरी भूटान से, और तिस्ता का चोलामू झील जेमू ग्लेशियर जो सिक्किम में स्थित है वहां से होता है तिस्ता नदी का। सबसे लंबी सहायक नदियों के लिए यहाँ देखिए सभी नदियों की सबसे लंबी सहायक नदी यहाँ पर लिखी हुई है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे लंबी, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो टोंस है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, टोंस है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी टोंस है, और यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। नाम इसका पूछा जाता है, क्या नाम है इसका, कालिंदी, क्या नाम है इसका, कालिंदी। ब्रह्मपुत्रा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सुबनसिरी, अभी आप देखिए। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी इंद्रावती, कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा,
और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये भारत में कितनी बहती है, 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में कितनी बहती है, 916 किलोमीटर। आगे देखते हैं, अब हम मैप से डिटेल में देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। वहाँ थोड़ा शॉर्ट पे था इसलिए शॉर्ट चीज़ें आप समझ गए, तो ये चीज़ें आप भी समझ जाएंगे। पेंटागोनिया, पेंटागोनिया कैसा है, शुष्क पत्थर है। पेंटागोनिया कैसा है, शुष्क पत्थर है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में यहाँ देखिए डिटेल से आपका बना हुआ है, ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपके पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, ये आपकी इंडिया हो गई, कुछ इस टाइप की आपकी इंडिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देख, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी, जो नामचा बरवा पर्वत चोटी से यूटर्न लेती हुई भारत में प्रवेश करती हुई बांग्लादेश में निकल जाती है, ठीक है, जो हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे इसमें कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये दिहांग नदी है, अरुणाचल प्रदेश से दिहांग और लोहित नदियाँ दोनों आकर के इसमें मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश से दिहांग और लोहित नदियाँ दोनों आकर के इसमें मिलते हैं। दिहांग और लोहित नदियाँ दोनों अरुणाचल प्रदेश से निकल करके इसमें मिलते हैं। लोहित नदी पर ही कौन सी पुल है, भूपेन हजारिका पुल। लोहित नदी पर कौन सा पुल है, भूपेन हजारिका पुल। अब यहाँ पे देखिए बीच में, ये भी आपको बताया था ये कौन सा पुल है, ये कौन सा पुल है, अभी आपको जस्ट बताया गया कौन सा पुल है यहाँ पर, ये कौन सा पुल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका, एक सेकेंड, इस पुल का नाम क्या है, इस पुल का नाम है आपका बोगी बिल ब्रिज। क्या नाम है इसका, बोगी बिल ब्रिज, बोगी बिल ब्रिज, बोगी बिल ब्रिज, जो किसको जोड़ता है, देमाजी और डिब्रूगढ़ का। इधर आपका देमाजी स्थित है, इधर कौन स्थित है, डिब्रूगढ़। देमागढ़ और डिब्रूगढ़ को कौन जोड़, डिब्रूगढ़ को कौन जोड़ता है, देमाजी और डिब्रूगढ़ को बोगी बिल ब्रिज जोड़ती है, ठीक। अब इधर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ आपका कौन मिलता है, बूढ़ी दिहांग। इधर जाके कौन मिलती है, बूढ़ी दिहांग मिलती है। कौन मिल रही है, बूढ़ी दिहांग मिल रही है। और ऊपर से कौन मिल रहा है, ये आपकी सुबनसिरी नदी मिल रही है, सुबनसिरी नदी मिल रही है। इधर से बूढ़ी दिहांग नदी मिल रही है, इधर से आपकी कामनी नदी मिल रही है, ये कामनी नदी मिल रही है। ये आपकी पिया भेली नदी मिल रही है, यहाँ आपकी पिया भेली नदी मिल रही है, पिया भेली नदी। इधर आपकी मानस नदी आकर के मिल रही है, कौन सी नदी, मानस नदी आकर के मिल रही है। यहाँ आपकी तिस्ता नदी आकर के मिलती है, जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है। और कौन सी नदी आपकी बची, सिक्किम क्षेत्र से निकलने वाली बराक नदी, यहाँ आपकी बराक नदी मिलती है। ये आपकी घनसिरी नदी जाकर के इसमें मिलती है, बराक नदी हो गई, घनसिरी नदी, बराक और पद्मा, यही दोनों मिलती हैं तो किस नाम से प्रसिद्ध होती है, मेघना। बराक और पद्मा जब आकर के मिलती हैं तो किस नाम से प्रसिद्ध होती हैं, मेघना। इधर से गंगा आती है, जो जिसको गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। तो बराक और गंगा आकर के जब मिलती हैं तो ये किस नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं, मेघना नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं। और मेघना नाम से ही बंगाल की खाड़ी में इनका अंत होता है, किसका किसका, गंगा नदी का, ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर मिलती है, ये चीज देख लेते हैं, ये मैप से हो गया। आगे इसमें देखते हैं, एक सेकेंड, अब यहाँ देखिए जो तिस्ता नदी है, तिस्ता 787 से पहले, 787 सन की बात हो रही है, एक सेकेंड, 1787 क्या होगा, 1787 1787 से पहले गंगा की ये सहायक नदी थी। 1787 से पहले तिस्ता क्या थी, ये गंगा की सहायक नदी थी। और 1787 के बाद तिस्ता किसकी सहायक नदी बन गई, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं कौन कहाँ पे मिलती है, चलिए आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कोच का निर्माण करती है, अरुणाचल प्रदेश में ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये दिहांग कोच का निर्माण करती है। और दिहांग कोच के ही, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम दिहांग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, तो किस नदी को, ब्रह्मपुत्रा नदी को। इसकी लंबाई कितनी है,
लंबाई इसकी कितनी है बताया जा चुका है आपको अभी पीछे, लंबाई। और माजुली द्वीप इसी नदी पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और माजुली द्वीप कहाँ पर है, तो असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, किस स्टेट में है, असम स्टेट में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा ये दोनों मिलती हैं तो किसका निर्माण करती है, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन के डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के बारे में भी अभी देख लेंगे। और यहाँ पे देखिए कापली नदी, जो कापली नदी मिलती है किससे, कापली नदी जो आपसे मिल रही है ब्रह्मपुत्रा नदी से, तो कापली नदी पर ही कामरूप मंदिर है। कापली नदी पर क्या है, कामरूप मंदिर है। घनसीरी नदी जो नागालैंड के क्षेत्र से निकल के आ रही थी, लेसांग पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से, लेसांग पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील के चेमा युंगबुंग ग्लेशियर या कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसका अन्य नाम क्या है, ये अन्य नाम बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको पूछा जाता है। असम में, तिब्बत में से तानसंगपो यारलुंगा के नाम जानते हैं, तानसंगपो यारलुंगा के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से। और असम को, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यानी ये स्टार्ट कहाँ से होती है, तानसंगपो यारलुंगा के नाम से स्टार्ट होती है, कहाँ पहुँचती है देन, अरुणाचल प्रदेश से दिहांग बन जाती है। एक सेकेंड देखिए, आप इस तरह से देखिए, ये आपकी स्टार्ट हुई, ये आपकी स्टार्ट हुई, यहाँ पहुँची, फिर ये ऐसे असम से होते हुए बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर ये किस नाम से स्टार्ट हुई, तानसंगपो, किस नाम से, तानसंगपो यारलुंगा, यार लुंगा या यार लुंगा, इस नाम से स्टार्ट हुई। जब ये पूछी पहुंची अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से हो गई, ये दिहांग नाम से, किस नाम से हो गई, दिहांग नाम से, दिहांग नाम से, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये कहाँ पहुंची, असम में, असम में क्या कहलाई, ब्रह्मपुत्र, असम में क्या कहलाई, ब्रह्मपुत्र। और असम के बाद ये कहाँ, भारत से बाहर निकल गई, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में ये क्या कहला गई, जमुना, बांग्लादेश में ये क्या कहला गई, जमुना। ध्यान रखिए, तो तिब्बत में से तानसंगपो यारलुंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तानसंगपो यारलुंगा के नाम से जाना जाता है। देन इसके बाद क्या, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में से ब्रह्मपुत्रा नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में से जमुना नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा दिहांग वाला और ये जमुना वाला पूछा जाता है। ये तानसंगपो तिब्बत वाला भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुल मिला के आप इसमें वही क्वेश्चन आपके लिए गए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में, मेन खास करके स्टेट पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, यूपीएससी हो गया, वहाँ से लिए गए हैं। बाकी अदर एग्जामों में भी ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, कोई भी वन डे एग्जाम ले लीजिए, सबके लिए आपका इम्पोर्टेंट है। वन डे एग्जाम हो या स्टेट का एग्जाम हो, सबके लिए आपका इम्पोर्टेंट है। या तीन देशों, तिब्बत चीन के क्षेत्र से निकल रही थी, भारत में प्रवेश कर रही थी, बांग्लादेश में चली जा रही थी, तो ये तीन देशों में बह रही थी, और कौन सी नदी थी जो तीन देशों में बहती है, वो आपको बताना है। यह क्या है, इसके बारे में और, देमाजी व डिब्रूगढ़ को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा था। अभी आपने देखा कि देमाजी और जो मैप में है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। देमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा था, बोगाबील ब्रिज। अभी आपने देखा कि उन दोनों को, इधर देमाजी था, इधर आपका, इधर देमाजी था, इधर बोगीबील था, इन दोनों को कौन जोड़ रहा था, सॉरी इधर आपका देमाजी था, यहाँ आपका डिब्रूगढ़ था, इसको कौन जोड़ रहा था, इसको बोगीबील ब्रिज जोड़ रही थी। ठीक है, और बोगीबील ब्रिज क्या है, देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है, देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। या तीन देशों जिसकी लंबाई क्या है, 4.4 किलोमीटर है। या तीन देशों, ये आपने भी देख ही लिया। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में गंगा को आप पढ़ चुके हैं कि पद्मा नाम से जानते हैं। लोहित नदी, लोहित नदी, ये जो बोगीबील ब्रिज है ये क्या है, बोगीबील ब्रिज जो है ये क्या है, एशिया का दूसरे नंबर का है, एशिया का, ये भारत का एक ब्रिज है, भारत का रेल ब्रिज है जो एशिया में दूसरे नंबर पे आता है, एशिया में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। लोहित नदी पर कौन सा पुल बना हुआ है, अभी आपने देखा, सबसे कौन सा पुल बना है, भूपेन हजारिका ब्रिज।
या टोला सादिया। टोला को सादिया से जोड़ता है, जो भूपेन हजारिका ब्रिज था ये टोला को किससे जोड़ता है, सादिया से जोड़ता है। टोला को किससे जोड़ता है, सादिया से जोड़ता है, ठीक है। भूपेन हजारिका पुल कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 9.16 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 9.16 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी के नदी भारत के दो राज्यों में बहती है, कौन कौन से, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश और असम में। अरुणाचल प्रदेश और असम में कौन दो राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम दो राज्यों में बहती है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की जो लंबाई है वो कितनी है, कितनी लंबाई है इसकी, 2900 किलोमीटर है, जिसमें से 916 किलोमीटर कहाँ बहती है, भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, जिसमें से ये 916 किलोमीटर कहाँ बहती है, अपने भारत में बहती है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है, नाम चाबरवा चोटी है, ये भी आप चोटियों वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। पूर्वी चोटी यहाँ पर बता दी गई, अब आप बताइए हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फूलों की घाटी किसको बोलते हैं, या फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। मध्य भारत की सभी नदियाँ क्या हैं, अनुवर्ती। मध्य भारत की सभी नदियाँ क्या हैं, अनुवर्ती हैं। यमुना, बेतवा, चंबल, ये सब क्या है, अनुवर्ती है। ये सब क्या है, अनुवर्ती नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय को काट करके दिहांग गाज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालय को काट करके किसका निर्माण करती है, दिहांग गाज का निर्माण करती है। गंगा पुत्र ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ब्रह्मपुत्र दिहांग गाज कहाँ पर स्थित है, दिहांग गाज अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से दिहांग व लोहित नदी निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से दिहांग व लोहित नदी निकलती है। दिहांग व लोहित नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा कौन सी नदी निकलती है, दिहांग व लोहित नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्रा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सुमनसिरी है। ये आप अभी देख चुके हैं कि सबसे लंबी सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा की कौन सी है, सुमनसिरी है। जो कहाँ निकलती है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा भी तिब्बत से निकलता है और सुमनसिरी भी तिब्बत साइड से निकलती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा में आकर के मिल जाती है। सिक्किम में चोलामू झील है, सिक्किम में कौन सा झील है, चोलामू झील है। चेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी, चेमू ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलता है, तिस्ता नदी निकलता है। जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलता है और तिस्ता नदी क्या है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और सिक्किम में क्या पाया जाता है, नाथुला और जेलेपला दर्रा पाया जाता है। सिक्किम के मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे नाथुला और जेलेपला। अब हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में आपको बताया जा चुका है, तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के दर्रों के दर्रों का कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बराक नदी मणिपुर राज्य में बहती है। बराक नदी कहाँ बहती है, मणिपुर राज्य में बहती है। मणिपुर में लोकटक झील व लेमाटोल पहाड़ी भी पाया जाता है। मणिपुर में लोकटक झील या लेमाटोल पहाड़ी भी पाया जाता है। लोकटक झील में फुमड़ी नामक फुमड़ी पाए जाते हैं, जो क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो एकमात्र तैरने वाली झील भी कौन सी है, लोकटक झील है, ठीक है। मानस नदी, मानस नदी जो है टाइगर रिजर्व, मानस नदी टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व है। यूनेस्को में मानस नदी को वर्ल्ड हेरिटेज में भी 1985 में शामिल किया गया था। यूनेस्को में मानस नदी को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था, 1985 में शामिल किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। दिबांग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखी हुई है, दिबांग, लोहित, सुमनसिरी, कामिनी, मानस, तिस्ता, घनसिरी, कापिली, मिथुमारी, पगलिदिया, और ये आपकी हो गई सहायक नदियाँ। उसमें से आप अलग कर लीजिए, बाएं तट की सहायक नदी कौन कौन सी है, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, घनसिरी और कामिनी, ठीक है। और दाएं तट की कौन सी है, सुबनसिरी। दाएं तट की कौन सी है, सुबनसिरी, रंगीति, जिया भरेली, पुथीमारी, मानस, संकोस और तिस्ता, ठीक है। माजुली द्वीप क्या है, माजुली द्वीप क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, जो किस स्टेट में स्थित, असम में। ये भी पूछा जाता है कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस स्टेट में स्थित है, तो असम में स्थित है, ठीक है। गंगा व ब्रह्मपुत्र
गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा डेल्टा बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब हम किसको देखेंगे? हमारा तीनों तंत्र हो गए। अब हमें देखना है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को क्या बताया गया था कि दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक जो अरब सागर में गिरती है, एक जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो अरब सागर में गिरती है यानी पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियाँ, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है यानी पूर्व की ओर गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें देखिए क्रम, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं ना, इनको क्रम लगाने के लिए देता है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो आप क्रम से ध्यान रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ ही, उत्तर से दक्षिण की ओर, नीचे की ओर है दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, कावेरी, बेगई और ताम्रपर्णी। कौन कौन सी? दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई और ताम्रपर्णी, ठीक है। गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। गंगा नदी के बारे में आप देख ही चुके हैं सब कुछ, थोड़ा सा यहाँ लिखा है एक रिविजन के टाइप में, तो आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। जो इसकी मुख्य शाखा है वो भागीरथी, और जो बिद्रिका है वो क्या है? हुगली के नाम से जानी जाती है। ये पांच राज्यों, गंगा पांच राज्यों से होकर बहती है, भारत के पांच राज्यों से होकर के बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा कहाँ पर बहती है? सबसे लंबी यूपी में बहती है, और सबसे कम कहाँ पर बहती है? झारखंड में बहती है, ठीक है। सबसे लंबी यूपी में बहती है, सबसे कम झारखंड में बहती है। कितने देशों में होकर के गंगा बहती है? दो देशों, इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश दो देशों में बहती है। इसकी एरिया कितना है? कितनी एरिया लेती है? 861,404 किलोमीटर स्क्वायर। 861,404 किलोमीटर स्क्वायर। हरिद्वार उत्तराखंड में है। हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है 4 नवंबर 2008 को। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 4 नवंबर 2008 को। गंगा की बाएं तट से या बाएं तरफ से मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा है। और अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा है। महानंदा कहाँ से निकलती है? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग से निकलती है। गंगा की विशाल सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा है। गंगा की सबसे विशाल सहायक नदी कौन सी है? घाघरा है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना है। अब यहाँ पे देखिए, लंबी विशाल पूछेगा तो घाघरा है, लंबी पूछेगा तो यमुना है, ध्यान रखिएगा इसको। सबसे विशाल सहायक नदी कौन सा है? घाघरा है। विशाल, विशाल का मतलब जिसका आयतन सर्वाधिक आयतन जो कवर करता है, तो वो कौन सी है? घाघरा है। और जिसकी लंबाई सर्वाधिक हो वो कौन सी है? यमुना है। तो वैल्यूम के हिसाब से जब पूछेगा, आयतन के हिसाब से, तो सबसे विशाल कौन सी हो जाएगी? घाघरा हो जाएगी। कौन सी? घाघरा। वैल्यूम के अकॉर्डिंग वाटर, आप मतलब वाटर सबसे ज्यादा पानी जो लेता है वो घाघरा है। और सबसे लंबी पूछा जाएगा तो कौन सी है? यमुना है। तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं? हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कौन सा है? पटना और कोलकाता। पटना और कोलकाता। एस से हरिद्वार, के से कानपुर। इसकी ट्रिक क्या है? एच के पी वी पी सी, ये क्रम से है। एच के पी बी बी वी पी सी, एच के पी वी पी सी। एस से हरिद्वार, के से कानपुर, पी से प्रयागराज, बी से वाराणसी, पी से पटना, पी से पटना, कोलकाता, सी से कोलकाता, एच से क्या? हरिद्वार, के से कानपुर, पी से प्रयागराज, बी से वाराणसी, पी से पटना, सी से कानपुर। ये किसके किनारे स्थित हैं? ये सब किस किनारे स्थित हैं? गंगा। गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। कानपुर शायद हो गया, के से कानपुर हो गया, यहाँ सी से कोलकाता हो जाएगा। सी से क्या? कोलकाता। कोलकाता रह गया था। हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, देन कोलकाता। पटना, देन कोलकाता। गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यमुना। यमुना जो है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा में बहती है। यमुना जो है दिल्ली, मथुरा और आगरा में बहती है। चंबल के किनारे शहर कौन सा है? कोटा। चंबल के सहारे कौन, चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है? कोटा। अब आपको ये बताना है
कि जो सिंधु है, सिंधु नदी, उसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? हुगली नदी के किनारे, हुगली के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोलकाता। क्यों? क्योंकि कोलकाता आपका किसमें आ रहा है? गंगा के किनारे आ रहा है। तो गंगा के किनारे जो गंगा की जो वितरिका है वही तो हुगली है। तो हुगली के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोलकाता। झेलम के किनारे श्रीनगर। झेलम के आपको बताना है कि सिंधु के किनारे कौन सा शहर स्थित है? झेलम के किनारे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। सतलज के किनारे कौन सा शहर स्थित है? लुधियाना और फिरोजपुर। महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? उड़ीसा और कटक। घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है, यानी घाघरा नदी ही सरयू है, जो वैलूम के हिसाब से, घाघरा नदी क्या है, वैलूम के हिसाब से सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, ठीक है? तो घाघरा ही क्या है, सरयू है। के किनारे स्थित शहर, सरयू के किनारे स्थित शहर कौन सा है? अयोध्या है। कौन सा शहर है? अयोध्या। गांधीनगर, अहमदाबाद। गांधीनगर और अहमदाबाद ये किसके किनारे स्थित है? गांधी तो साबरमती नदी के किनारे। गांधीनगर और अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती। साबरमती नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर व अहमदाबाद स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो विजयवाड़ा। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? विजयवाड़ा। बैगई नदी के किनारे, बहुत बार पूछा जाता है, बैगई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? मदुरई। बैगई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? मदुरई। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो भी कुछ आपको इसमें लग रहा है और कुछ चाहिए या कोई किसी और सब्जेक्ट के बारे में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।